Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu dear students. In last lecture, uh, we have discussed the solution of homogeneous uh, system of equation and non-homogeneous system of equation, and uh, uh, we have learned how to write the solution in parametric vector form of a homogeneous system and non-homogeneous system. So, uh, solution of homogeneous. Uh, uh, we have discussed the solution of homogeneous system. So, th there is always uh, uh, there is always exist a solution of homogeneous uh, uh, system of equation, and that is the trivial solution. And uh, other than trivial solution, if we want to see that uh, uh, either uh, the non-trivial solution of homogeneous uh, equation exists or not. Uh, then it will be possible only if it it involves a free free variable at least one free variable. Then we have discussed the solution of non-homogeneous uh, uh, system, uh, and uh, we have written the solution of the non-homogeneous and homogeneous system in parametric vector form. Now we will discuss uh, a new topic that is linearly independence or dependence. तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि लीनियर लीनियरली लीनियर इंडिपेंडेंस जो कि हम जितनी भी हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया है वो सारी लीनियर से रिलेटेड थी लीनियर इक्वेशंस थी जिनको हमने सॉल्व किया आ, स्टार्ट से ही हमने उसको उसका सोलूशन डिस्कस किया लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का और उसके बाद हमने देखा कि आ, कैसे आप उसको कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं एस्ट्रॉन फॉर्म में आप रिड्यूस करके उसका सोलूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड देन हमने देखा कि डिफरेंट uh, इक्वेजन हमने डिस्कस की वैक्टर इक्वेजन और मैट्रिक्स uh, इक्वन uh, और फिर हमने सोलूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजनियस सिस्टम को जो है वो डिस्कस किया था so, uh, सो जितने भी हमने ये टॉपिक्स किए वो सारे जो इन uh, सब टॉपिक्स की जो बेस थी वो लीनियर uh, ही थी लीनियरिटी linear, uh, थी तो अब जो नया टॉपिक हमने करना है वो लीनियरली लीनियर, लीनियर इंडिपेंडेंस का है इट्स मीन कि हमने आ, कुछ सेट ऑफ वेक्टर को चेक करना है कि क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट है सो लीनियर तो पता चल गया कि जो भी वेक्टर्स इन्वाल्व होंगे वो लीनियर होंगे अब इंडिपेंडेंस क्या है इंडिपेंडेंस का मतलब है कि कुछ कंडीशन होगी जिसको हमने चेक करना है और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सेट ऑफ वेक्टर जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उनकी अलग से एक वैल्यू आती है और डिपेंडेंट का मतलब है कि वो कोई एक दो वैल्यूज पे एक दो वेक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहे हैं सो so, हम देखते हैं कि कैसे हम जो है ना वो आ, वेक्टर्स को आ, डिस्क्राइब करेंगे कैसे हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे इसकी क्या आ, इसका क्या क्राइटेरिया होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए सोलर स्टार्ट आवर टू डेज लेक्चर हाँ जी तो डेफिनेशन इसकी क्या है सबसे पहले अगर हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है कि सेट ऑफ़ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो उसकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हमने उस कंडीशन को चेक करना है अब उसकी कंडीशन क्या है हम देखते हैं एन इंडेक्स सेट ऑफ वेक्टर वी वन वी टू अपू वी पी इन आर एन ठीक है यहाँ पे क्या है कैपिटल आर एन सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट if the vector equation has only the trivial solution क्या है कि आपके पास एक index set of vector है set of vector है जिसको हमने check करना है कि either the given set of vector is linearly independent or not तो उसके लिए आपने क्या करना है आपने देखना है कि जो वेक्टर इक्वेशन है या ये जो आ, वेक्टर इक्वेशन क्या थी जो आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन आता है वही वेक्टर इक्वेशन थी ना उसमें हम क्या लेते थे लीनियर कॉम्बिनेशन लेते थे एक्स वन वी वन प्लस एक्स टू वी टू आप टू एक्स पी वी पी इक्वल टू वाई वैक्टर या बी वेक्टर के इक्वल ले लेते थे तो इसमें हमने क्या करना है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं या जो वेक्टर इक्वेशन हम कंसिडर कर रहे हैं उसको हमने ज़ीरो के इक्वल करना है और फिर हमने ज़ीरो के इक्वल करके देखना है कि उस जो लीनियर इक्वेशन है जो वेक्टर इक्वेशन है उसका ट्रिवियल सोल्यूशन आता है या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है ट्रिवियल भी आ सकता है नॉन ट्रिवियल भी आ सकता है ठीक है क्योंकि ये होमोचीनियस इक्वेशन बन जाती है ना तो होमोचिनियस इक्वेशन का सोल्यूशन ट्रिवियल भी आ सकता है और नॉन ट्रिवियल भी आ सकता है जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे जब उसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करे ठीक है प्रीवियस सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें जो आपके पास इसको हम सॉल्व करें तो x1 की वैल्यू भी जीरो आए x2 की वैल्यू भी जीरो आए और जितने भी एक्स एकस सेल्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए जीरो आनी चाहिए देन द गिवन सेट ऑफ वेक्टर विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट द सेट ऑफ वैक्टर इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देर एग्जिस्ट वेट नॉट ऑल जीरो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों अपोजिट हैं ऑब्वियसली अगर उसका ट्रिवियस सोल्यूशन नहीं आ रहा तो उसका नॉन ट्रिवियस सोल्यूशन आ रहा है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे और अगर नॉन ट्रीवियस सोल्यूशन आ रहा है इट्स मीन कि हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है तो उसमें जो एक्स वन एक्स टू एक्स पी की वैल्यू है वो क्या आ रही है नॉन ज़ीरो आ रही है अब नॉन ज़ीरो आ रही है तो ये पॉसिबल है कि आपके पास एक वैल्यू एक वैन्यू जीर, नॉन ज़ीरो आए दो आ जाएँ ये सब वैल्यूज नॉन ज़ीरो हो जाए लेकिन एक लाजमी आनी चाहिए नॉन ज़ीरो और वो किसके लिए लीनियरली डिपेंडेंट के लिए, लिए। यहाँ हमने सी वन सी टू सी पी लिखा है आप इसको एक्स वन एक्स टू एक्स पी ले सकते हैं ठीक है ज़रूरी नहीं कि आप सी वन सी टू और सी पी लें ये सिर्फ इसको क्या डिनोट कर रहा है इनके वेट्स को डिनोट कर रहा है सो so, अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ जाता है सपोज़ एक्स वन अगर नॉन ज़ीरो है नॉन जीरो बिन के सपोज हमने इसको सॉल्व किया है और एक्स वन की वैल्यू फाइव आ गई है और एक्स टू ज़ीरो आता है एक्स थ्री जीरो आता है एक्स पी ज़ीरो आता है तो ये क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अगर एक भी इसमें से ज़ीरो आ जाता है नॉन ज़ीरो आता है सॉरी सो so, डेफिनेशन को हम एक दफ़ा फिर रीड करते हैं एन इंडेक्स सेट ऑफ वेक्टर वी वन वी टू अप टू वी पी इन आर इज सेट टू बी लीनियरली इनडिपेंडेंट इफ द वेक्टर इक्वेशन दिस वन हैज ओनली द ट्रिवियस सॉल्यूशन एंड इट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ इट हैज़ नॉन ट्रिवियस सॉल्यूशन और नॉट ऑल आर ऑल द वे नॉट ऑल जीरो सो इक्वेशन वन इज़ कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंस रिलेशन अमंग वी वन वी टू वी पी द वेट्स आर नॉट ऑल जीरो जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो डिपेंडेंट होंगे अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इट्स मीन कि उनके दरमियान एक ऐसा डिपेंडेंस रिलेशन एग्जिस्ट करता है और वो रिलेशन, उस रिलेशन को हम कहते हैं लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन ठीक है इट्स मीन के आपके डिपेंडेंस रिलेशन इट्स मीन के एक वेक्टर जो है ना वो आ, एक या दो वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है अब डिपेंड कैसे करेगा ये हम नेक्स्ट में चल के देखेंगे लेकिन फिलहाल आप इसको इतना ही करें कि हमने क्या करना है कि अगर वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे और अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो इट्स मीन के उनके दरम्यान एक लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन एग्जिस्ट करेगा एन इंडेक्स सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एव इट इज नॉट लिनियरली इनडिपेंडेंटली अगर वो लीनियरली इनडिपेंडेंट नहीं होंगे तो वो क्या होंगे हाँ जी एग्जाम्पल करते हैं लेट वी वन वी टू एंड वी थ्री बी थ्री वैक्टर्स डिटर्मन इफ द सेट ऑफ वैक्टर इज लिनियरली इंडिपेंडेंट ठीक है हमें तीन वैक्टर्स गिवन है v1, v2 वी टू एंड वी थ्री और ये सेट ऑफ वैक्टर हमारे पास है जिसमें वी वन वी टू एंड वी थ्री आ रहा है तो उसको हमने चेक करना है कि क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है इफ़ पॉसिबल फाइंड अ लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन अमंग वी वन वी टू एंड वी थ्री और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है पहले तो आपने चेक करना है ना कि क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो इट्स मीन कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है और फिर आपने सेकेंड पार्ट पे जाना है और सेकेंड पार्ट क्या है कि आपने एक डिपेंडेंस रिलेशन फाइंड आउट करना है अमंग वी वन वी टू एंड वी थ्री फर्स्ट आप चेक करेंगे कि क्या, क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है सेटअप वैक्टर वी वन वी टू एंड वी थ्री और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन यू कैन नॉट फाइंड द डिपेंडेंस रिलेशन अमंग वी वन वी टू एंड बी थ्री इट्स मीन यू विल इग्नोर द पार्ट बी आपने क्या करना है सिर्फ पार्ट ए को करना है और अगर वो पार्ट ए जो है वो उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वो नहीं है लीनियरली डिपेंडेंट है देन यू हैव टू फाइंड अ डिपेंडेंस रिलेशन अच्छा जी अब हमने क्या करना है अब हमने क्या काम करना है कि हमने देखना है कि क्या सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसके लिए हमने क्या करना है लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करना है या आपने एक वेक्टर वेक्टर इक्वेशन लेनी है और उसको आपने ज़ीरो के केक रखना है जैसे कि अभी हमने लास्ट इक्वेशन की थी ये वाली ठीक है इसमें क्या था एक्स वन वी वन प्लस एक्स टू वी टू अब टू एक्स पी वी पी इक्वल टू ज़ीरो आपने उसको जीरो वेक्टर के इक्वल लेना है तो इसी तरीके से हम करेंगे x1 v1 v1 हमें ये वेक्टर गिवन है प्लस एक्स टू वी टू प्लस एक्स थ्री वी थ्री इक्वल टू ज़ीरो तो ज़ीरो ज़ीरो ठीक है अब हमने क्या करना है इस आ, जो वेक्टर इक्वेशन है या जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसको हमने सिंपलीफाई करना है इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में और सिस्टम ऑफ इक्वेजन से हमने क्या करना है सिस्टम ऑफ इक्वेजन से फिर हमने उसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की क्या वैल्यूज़ आते हैं सो so, एक तो आपके पास ये मेथड है कि आप इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में लिखें और फिर आप अगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करके तो आप इसको सॉल्व करके चेक करें कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की क्या वैल्यूज़ है या फिर आप जो है वो डायरेक्ट भी आ, कर सकते हैं डायरेक्ट फिर आप जो है वो क्या करेंगे कि अगमेंटेड मैट्रिक्स आप फॉर्म कर लें जिसमें वी वन वी टू वी थ्री एंड आपके ज़ीरो वैक्टर आए सो so, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के वे वन वे टू थ्री एंड जीरो वैक्टर के फॉर्म में यह हमने लिख लिया और फिर आ, वही मेथड जो आप सॉल्व जिसे आप सॉल्व करते आ रहे हैं कि आपने इसको एशन फॉर्म में रिड्यूस करना है और इसका सॉल्यूशन आपने आ, लिखना है और देखना है कि एक्स वन एक्स टू तो, एक्स थ्री की वैल्यू ज़ीरो 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 आती है या कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है तो इसको हमने आ, वही मैथड है मैं रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी दफ़ा हम लोग ये कर चुके हैं तो इसको आ, कैसे हम ये मेथड एडोप्ट करते हैं तो यहाँ से आपके पास देखें यहाँ पे इक्वेशन आ रही है एक्स वन प्लस फोर एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री इक्वल टू ज़ीरो और सेकेंड इक्वेशन आ रही है माइनस थ्री एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री इक्वल टू जीरो अब देखें एक्स वन एक्स टू क्या आ रहे हैं बेसिक वेरिएबल्स आ रहे हैं और एक्स थ्री फ्री वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे x1, x2, x3 की वैल्यू जीरो नहीं आ रही नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है और बेसिक वेरिएबल और फ्री वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्व बेसिक वेरिएबल एंड फ्री वेरिएबल तो इसका ट्रिवियस सोल्यूशन नहीं आ रहा नॉन ट्रिवियस सोल्यूशन आ रहा है क्योंकि इसमें बेसिक वेरिएबल और फ्री वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वैक्टर नहीं होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा सो so, अगर लीनियरली डिपेंडेंट uh, है तो फिर आपने क्या करना था लीनियरली डिपेंडेंस रिलेशन आपने फाइंड आउट करना था अब लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे uh, देखते हैं कि हम जो है ना वो इक्वेशन के फॉर्म में लिखने इक्वेशन में आपके पास जो है ना वो क्या आई थी एक्स वन प्लस फोर एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री इक्वल टू जीरो एंड माइनस थ्री एक्स टू माइनस थ्री एक्स थ्री टू ज़ीरो अब यहाँ पे देखें कि एक्स वन एक्स टू और यहाँ एक्स टू आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स थ्री क्योंकि जो सोल्यूशन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं बेसिक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल तो माइनस थ्री एक्स टू इक्वल टू माइनस थ्री एक्स थ्री यानी एक्स टू इक्वल टू एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री आ जाएगा एक्स थ्री आ जाएगा प्लस एक्स थ्री तो यहाँ से फिर एक्स टू की वैल्यू आप इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो एक्स टू इसमें से एलिमिनेट हो तो जाएगा क्योंकि एक्स टू बेसिक वेरिएबल है एक्स टू फ्री वेरिएबल नहीं है तो यहाँ से आप एक्स वन की वैल्यू लिख लेंगे और यहाँ से एक्स टू की लिख लेंगे और एक्स थ्री आ जाएगा फ्री वेरिएबल आ जाएगा जैसे ये एक्स वन माइनस टू एक्स थ्री इक्वल टू जीरो एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो एंड जीरो इक्वल टू जीरो जीरो इक्वल टू जीरो मीन सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट सो so, यहाँ पे हम इसका सोलूशन कैसे लिखते हैं एक्स वन इक्वल टू टू एक्स थ्री एक्स वन इक्वल टू टू एक्स थ्री एक्स टू इक्वल टू माइनस एक्स थ्री एंड एक्स थ्री इज फ्री वेरिएबल अब हमने काम क्या करना था जो हमसे पूछा गया है रिक्वायर्ड है वो क्या है कि हमने लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन फाइंड आउट करना था अमंग वी वन बी टू एंड पी थ्री तो रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अब देखें आप जो है ना इस यहाँ से हम चले पहले चेक कर लेते हैं कि अगर आप एक्स थ्री की कोई भी नॉन नॉन जीरो वैल्यू चूज़ करें बिकॉज एक्स थ्री फ्री या नॉन जीरो वैल्यू हमने चूज़ करनी है बिकॉज अगर आप एक्स थ्री ज़ीरो चूज़ करें तो उस केस में क्या आएगा एक्स वन भी ज़ीरो होगा और एक्स टू भी ज़ीरो हो जाएगा तो इसके लिए हमने क्या किया कि नॉन ज़ीरो वैल्यू चूज़ की लेटेस से एक्स थ्री इक्ल टू फाइव चूज एक्स थ्री इज फाइव दैन एक्स वन किसके कुल आ जाएगा 10, एंड एक्स टू किसके कल आ जाएगा माइनस फाइव के सो ये आपके पास क्या आगे नॉन जीरो इनकी वैल्यूज़ आ अब हम लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन जो है वो कैसे हमने फाइंड आउट करना था डिपेंडेंस रिलेशन का मतलब है कि आपने जो यहाँ से रिलेशन लिया था एक्स वन वी वन प्लस एक्स टू वी टू प्लस एक्स थ्री वी थ्री इक्वल टू जीरो तो आपने देखना है कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की हम क्या वैल्यू रखें कि ये रिलेशन होल्ड करें तो इसके लिए हमने कोई भी रैंडम वैल्यू चूज़ कर ली ठीक है और आपने इसमें सब्सटिट्यूट कर देनी है एक्स वन हमने क्या आ, क्या आया था टेन टेन बी वन माइनस फाइव बी टू प्लस फाइव वी थ्री इक्वल टू ज़ीरो तो ये आपके पास क्या है लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन है आप कोई भी रेंडम वैल्यू चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे फाइव है आप कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू ले सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है ठीक है तो आ, आप जब वो रेंडम वैल्यू कोई चूज़ करेंगे आपकी कोई डिफरेंट वैल्यू होगी तो उनका डिपेंडेंस रिलेशन भी डिफरेंट आएगा सो so, इसके इनफरइट वैल्यूज़ आ सकती हैं क्योंकि फ्री वेरिएबल है फ्री वेरिएबल है तो इसके इंफानाइट सॉल्यूशंस हैं इन्फानाइट सॉल्यूशन इसके आ सकते हैं और उसके कॉरस्पेंडेंस जो उनके डिपेंडेंस रिलेशन है वो भी इन्फानाइट आ सकते हैं बिकॉज हर एक फ्री वेरिएबल के कॉरस्पेंडिंग आपके पास एक डिपेंडेंस रिलेशन आएगा So, this is um, one out of infinitely many possible linear dependence relation among v1, v2, and v3. Hanji example, aham karte hai. Determine, the, uh, determine whether the set of vector s equal to 1, 0, 0, 1, minus 2, 5 is linearly dependent or linearly independent. तो आगे जाके हम चेक करेंगे कि द गिवन सेट ऑफ वैक्टर इस लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट के लिए कुछ और कंडीशंस भी होती हैं जिन कुछ और रिजल्ट्स हम यूज कर सकते हैं जिनको हम यूटिलाइज करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि द गिवन सेट ऑफ वैक्टर इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट लेकिन जो इनिशियल जो बेसिक इसका काम है वो हमने यही करना होता है कि वेक्टर इक्वेशन कंसिडर करनी होती है और वेक्टर इक्वेशन कंसीडर करके उसको होमरजीनियस सिस्टम में कन्वर्ट करके और उसको सॉल्व करना होता है और चेक करना होता है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं तो सो uh, so, अगर आपको uh, आप लोग रिजल्ट यूज़ नहीं भी करना चाहते तो सबसे पहले आप में यही काम करेंगे कि आपने होमर्जीनियर सिस्टम कंसीडर करना है उसको सॉल्व करना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करके उसको एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद उसका सोलूशन फाइंड आउट करना है और अगर उसका सोलूशन जो है वो ज़ीरो सोलूशन आता है तो सेट ऑफ वैक्टर गिवन सेट ऑफ वैक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और अगर नॉन जीरो आता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा सो लास्ट एग्जांपल में हमने किया था कि अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट uh, था तो उसका हमने डिपेंडेंस रिलेशन भी फाइंड आउट किया था कि कैसे आप करेंगे तो डिपेंडेंस रिलेशन जो है वो फ़ाइंड आउट uh, करने के लिए जो है ना वो um, आप uh, क्या करते हैं कि जो भी uh, जो कि उसमें बेसिक वेरिएबल और फ्री वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे तो इसके लिए फिर आप uh, कोई भी फ्री वेरिएबल की वैल्यू चूज़ करके तो एक्स वन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उनका रिलेशन फ़ाइंड आउट कर सकते हैं सो so, ये बहुत आ, इजी और बहुत छोटी सी एग्जांपल है जिसमें आपने आ, क्या करना है कि चेक करना है कि अदर द गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट तो वहीं आपने लीनियर कॉम्बिनेशन आपने कंसीडर किया सी वन सी टू सी थ्री आप कंसीडर कर सकते हैं या आप एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ले सकते हैं आपके अपनी चॉइस है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपने होमोजीनियस सिस्टम कंसीडर किया उसको आपने ज़ीरो के जीरो uh, के एक रखा जीरो ज़ीरो सो यहाँ से आपने क्या करना है अगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी है अगमेंटेड uh, मैट्रिक्स आपके पास क्या आती है वन वन ज़ीरो माइनस टू एंड ज़ीरो वन एंड फाइव और किसके एक रखना है हमने ज़ीरो ज़ीरो के सो so, यहाँ से अगर हम देखें तो यह, यहाँ ये यह तो ऑलरेडी जीरो है इसको करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे भी देखें कि ये पेट पोजीशन पे आ रहा है तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है वो सी वन सी वन माइनस टू सी थ्री इक्ल टू ज़ीरो आ रही है और जो सेकंड इक्वेशन है वो एक्स टू प्लस फाइव एक्स फाइव एक्स थ्री इक्ल टू ज़ीरो आ रही है तो ये आपके पास इसकी ज़ीरो वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं ये क्या आ रहा है लीनियरली डिपेंडेंट आ रहा है क्योंकि इसमें फ्री वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं सी फ्री वेरिएबल है और सी वन सी टू क्या है बेसिक वेरिएबल है सो द सिस्टम हैज मैनी सोल्यूशन सो द गि डिपेंडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिटर्मन वेदर द सेट ऑफ वैक्टर एज इज लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इनडिपेंडेंट ठीक है अब इसमें हमारे पास फोर वैक्टर्स गिवन है तो आपने इसको वहीं चेक करना है वहीं हमने क्या काम करना है होमोजीनियस सिस्टम बनाना है मैट्रिक्स की लास्ट कॉलम जो है वो सारा ज़ीरो होगा और इसको हमने क्या करना है एचलॉन फार्म में रिड्यूस करना है एचलॉन फार्म में हमने इसको रिड्यूस किया वही मेथड आपने अडॉप्ट करना है और यहाँ से देखें कि यहाँ से जो है ना आपने इसको रिड्यूस किया तो ये डाइगनल में वन 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 आ गए ठीक है और यहाँ से देखें इसमें कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर तो यहाँ पे क्या आ एक्स फोर इक्वल टू जीरो यहाँ पे क्या आ गया इक्वेशन एक्स एक्स थ्री प्लस एक्स फोर इक्वल टू जीरो बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे एक्स फोर की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से एक्स थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो हो जाएगी और सेकेंड इक्वेशन में आ रहे है एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर इक्वल टू जीरो तो एक्स थ्री और एक्स फोर की वैल्यू जीरो है ये जीरो इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्स टू भी ज़ीरो आएगा और एक्स टू की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो वो एक्स वन भी ज़ीरो आ जाएगा तो इस एग्जाम्पल में इस केस में क्या हो रहा है कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर की वैल्यू जो है वो जीरो आ रही है एक्स वन भी जीरो है एक्स टू भी जीरो है एक्स थ्री भी जीरो है एक्स फोर भी ज़ीरो है सो ऑल द वेट्स आर जीरो सो द गिवन सिस्टम हैज ओनली टू वे सोल्यूशन सो एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट तो यही हमारा आज का लेक्चर था कि हमने क्या करना था लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक करना था कि कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर होंगे और आप कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए आपने सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर करना है उसको ज़ीरो के इक्वल करना है और उसको चेक करना है कि उसका ट्रेविस सोलूशन आता है या नॉन ट्रेविस सोल्यूशन आता है और अगर उसका ट्रेविल सोलूशन आता है तो सेट ऑफ वैक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और अगर उसमें फ्री वेरिएबल और बेसिक वेरिएबल होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा सो नेक्स्ट लेक्चर में ही इंशाल्लाह हम इसी को लेके चलेंगे इसी को कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए और मजीद रिजल्ट करेंगे और उन रिजल्ट को आप डायरेक्ट यूज़ करते हुए भी लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हम उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करें और उसको सॉल्व करें पूरा और फिर हम चेक करें तो आ, आप वो रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे Thank you for joining. Take care. Allah peace.